तो अभी मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर आया। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं 10 मिनट में, और ये सर्विस सेंटर वाले थोड़े से अनॉय हो चुके हैं। ये लाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा स्पेस है गाड़ी में। हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं फाउंटेन होटल के पास से गुजरात की तरफ। आज रात को हम लोग रास्ते में रुकने वाले हैं। भाई काठियावाड़ी खाना बहुत अमेजिंग होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। बहुत ज़्यादा वैरायटी वगैरह ये लोग देते हैं, मतलब बहुत सारे साइड डिशेस बहुत देते हैं ये लोग थाली में। भाई खाना खाने के बाद पूरा एनर्जी आ गया। बहुत लंबा दिन था आज, लेकिन अब हम रिचार्ज हो गए। ये देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, इतना गंदा धूल मट्टी। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग हाईवे पे आ गए हैं और होटल के लिए 142 किलोमीटर बाकी हैं। 2 आवर्स 20 मिनट दिखा रहा है, इतने में तो हम मुंबई में 30 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। तो ये पूरा गाड़ी का DPF अभी क्लीन हो रहा है। तो भाई ब्रेकडाउन के बाद ये मेरा पहला लॉन्ग ड्राइव है, ऑलमोस्ट 730 किलोमीटर्स का रास्ता है उदयपुर। और सच बोलूँ तो इमीडिएटली मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि यार अगर मुंबई के आसपास अगर ब्रेकडाउन हो गया तो अभी उदयपुर तक जा रहा हूँ, तो बीच में कभी कुछ हो गया तो। बट देन देखो यार अभी नया फ्यूल पम्प मोटर लगा हुआ है, नया फ्यूल टैंक लगा हुआ है, पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मेरा नया लगा हुआ है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो बहुत दिन बाद मैं चला रहा हूँ हाईवे पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत मिस कर रहा था मैं ये ड्राइव। मॉर्निंग को हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पूरे होटल में सिर्फ हम ही लोग हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे वापस से निकल रहे हैं, 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर्स है। तो आज का दिन थोड़ा रिलैक्सिंग होने वाला है, अच्छा हुआ हम लोग रात को रुक गए यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से उदयपुर। भाई वापस हाईवे पे जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे और सीधा कनेक्ट करेंगे हाईवे। मज़ेदार ड्राइव होने वाला है आज का, दो सफारी और XUV 700, दोनों तीन गाड़ियाँ चल रही हैं साथ में। तो एग्जैक्टली 1 बज गए, 3 घंटे हो गए। तो भाई ऑलमोस्ट 3 घंटा सीधा चलाने के बाद अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे रुके हैं, काफी रिलैक्सिंग दिन लग रहा है आज, क्योंकि हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया जो रात को हम रुके वहां पे, सो दैट ऑलमोस्ट हमारा 3 घंटा बच गया और आज ऐसा थक थक के नहीं जाएंगे हम लोग। भाई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑलमोस्ट 35 डिग्री टेम्परेचर है। चलो भाई अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये देखो भाई यहाँ पे हम लोग रुके थे पिछले बार जब दिल्ली गए थे, तभी रास्ते में यहाँ जगदीश स्नैक्स के यहाँ पर रुके थे।
ज्यादा ट्रैफिक है यार यहाँ पे। पूरे रास्ते में यहाँ गाय आ गए हैं, पूरे रास्ते में देखिए। अरे बाप रे, आगे एकदम मतलब 200-300 मीटर तक बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम हॉर्न बजाएंगे तो वो और भी पीछे नहीं हटते, तो बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। हटेंगे यार, तो मैं वही बता रहा हूँ। गडरिया इतने सारे गाय के लिए एक ही गडरिया है, लेकिन कम से कम 3-4 तो होने चाहिए ना इतने सारे गाय के लिए। यार थोड़ा तो पेशेंस दिखा। हाँ लोकल लोग हैं और बिल्कुल भी ये नहीं है तमीज नहीं। थोड़ा अगर 5 मिनट रुक जाए तो क्या उसका नुकसान होने वाला है। तो ये गाय अभी 1 मिनट में इनको जाने देता हूँ लेफ्ट साइड में और खुद राइट साइड में जाता हूँ। इंडिकेटर देता हूँ गाय को ताकि गाय समझ जाए कि भाई सामने से गाड़ी आती है तो वो हट जाती है, उन्हें दिख रही है, पता नहीं चल रहा ना यार। ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है भाई। ओह शिट, क्या है यार। 500 मीटर तक 1 किलोमीटर तक गाय ही गाय थे और ये रोड इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, चौड़ा भी नहीं है, बहुत ही उतना नैरो भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हाईवे है। तो हाँ भाई, ये रोड पे ये तो चीज है। बड़ौदा से अगर आप सीधा उदयपुर वाला रास्ता अगर आप लेंगे, गोधरा होके अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा भाई, ये बात तो है। और मैं एक्चुअली सरप्राइज इसलिए हूँ कि जो लोकल लोग हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो बार बार हॉर्न बजा रहे थे और बहुत डेंजरसली घुस रहे थे अंदर। मे बी वो लोग को पता है कैसे नेविगेट करना है क्या नहीं। ये देखो भाई, यहाँ से लेफ्ट लेना, एक बहुत ही छोटा सा लेफ्ट टर्न आता है, तो यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। तो अब गाय के बाद में यहाँ पे भैंस आ गया। अभी यार अब ये एक नया पंगा हो गया यहाँ पे, ये देखिए, ये बम्पर पे लग गया था और थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये देखिए। ये देखिए नीचे, तो ये है MG मोटर इंडिया का फैक्ट्री। यहाँ पे जो MG एक्टर गाड़ी है वो सब यहाँ पे बनता है। वेदर उतना भी गर्म नहीं है, ठंडा है इनफैक्ट। तो ये ट्रक ड्राइवर्स ने यहाँ पे दिया लगाया हुआ है दिवाली के लिए। Yeah.
बहुत अच्छे गुजरात से राजस्थान का जो रास्ता है, स्पेशली राजस्थान एंटर करने के बाद ज़बरदस्त हो जाता है भाई। इतनी धूल मिट्टी कभी भी नहीं देखी है। यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ है सब जगह पे, पूरा त्योहार का माहौल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर यहाँ पे बाहर आ चुका है। नाइनटीन डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो खाने में ऑप्शंस अच्छे हैं और टेस्ट भी अच्छा है, मतलब लोकल डिशेस भी यहाँ पे इन्होंने रखा है एज ऑप्शंस। तो मतलब यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, ये देखिए लेक दूर से दिखता है, थोड़ा दूर से दिखता है लेकिन लेकिन अभी ये देखिए, अभी जैसे ये इक्विपमेंट वगैरह ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। ये वो प्रॉपर 4-स्टार जैसे इनका मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। यू नो, एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये देखो भाई, ये जो है कांटे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बंदर के लिए लगा है कि बर्ड के लिए लगा है कुछ पता नहीं भाई। यार यहाँ पे मॉर्निंग का समय, अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पे, मेरे को ना सर्दी हो रखी है, पिछले एक दो दिन से बराबर सोया नहीं था मैं, और पता नहीं कल का दिन भी बहुत लंबा था। अब मैंने एक एंटीबायोटिक्स ले लिया, अब देखते हैं कुछ घंटों में थोड़ा सेहत इम्प्रूव होगा तो कहीं थोड़ा जाएंगे घूमने के लिए। ये जो लिफ्ट का जो डिज़ाइन है ना, ये गणेश चतुर्थी पे डेकोरेशन पे ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। पूरा ऐसा लेक ही लेक है यहाँ पे। सब सजा हुआ है दिवाली के लिए। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, छोटी छोटी गलियां हैं, एज लग सकता है। बस बस बस, यहाँ से भाई बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का जगह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप गाड़ी लेके मत आइए, आप ऑटो ले लीजिए, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ऑटो यूज़ कीजिए। हम लोग लेके आ गए गाड़ी यहाँ पे, हम लोग पार्किंग लॉट पे अभी रुके हुए हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लकीली हमें एक पार्किंग लॉट मिल गया है, यहाँ पे हम गाड़ी लगा रहे हैं और फिर अभी चलने वाले हैं। मैंने इनको बोला था कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, पर ये सुनते नहीं है। तो भाई अभी हम लोग पार्किंग करके यहाँ पे निकल रहे हैं लेक पिछोला के तरफ। तो ये बोर्ड है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो सिटी पैलेस आता है, राइट साइड जाएंगे तो हनुमान घाट और माजी का टेंपल आता है। तो चलो अभी के लिए सीधा जाते हैं। भाई ये ब्रिज है,
यार घनघोर घाट जो है ये बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है यहाँ पे। ये स्पॉट पे आपको आना ही चाहिए उदयपुर में। चलो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वो देखो भाई वो जो लेक फेसिंग रेस्टोरेंट है वहाँ पे अभी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाएंगे वहाँ पे। ओ तो भाई अभी हम लोग यहाँ से निकल गए गणगौर घाट से। पूरे उदयपुर में मूड सेट हो रहा है। अब भाई रात को उदयपुर की सड़कों पे चला रहे हैं जी। यहाँ पे सब जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इतने छोटे छोटे रोड। अभी इस टाइम पे ट्रैफिक तो है नहीं, इसके लिए हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये देखो भाई इसने तो ट्रक ही पार्क करके रखा हुआ है इतने छोटे से रोड पे। और आप सोचो दिन में कितना ट्रैफिक जाम होता होगा यहाँ पे। एकदम मतलब नैरो लेन्स है यहाँ पे। अब गाड़ी लगा दिया है हमने। हाँ यार दिवाली का दिन है, कम से कम दिए तो जलाना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए भाई, राइडर्सन ने तो क्या हुआ भाई, दिवाली है। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉनसून पैलेस। इतनी गर्मी है, गर्मी में मॉनसून पैलेस जा रहे हैं भाई। अब ये शुरू हो रहा है भाई। तो भाई ये जो एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को करना चाहिए। यहाँ पे फतेहपुर लेक है, ये फतेहपुर सागर लेक है।